Welcome to Arvind Singh Academy, and we are discussing basic concept of chemistry. Today we are going to discuss significant figures. In last lecture, we had discussed about the precision and accuracy, and this is lecture number 6. I hope you have already watched part 1 to part 5 and subscribe our channel too. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है उस पर सब्सक्राइब करें और फिर आगे आप समझे क्या है ये सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर राइट। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, किसको कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और किसको कहते हैं? सो सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट्स व्हिच नोन विथ सर्टेनिटी। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स व्हिच नोन विथ सर्टेनिटी। ठीक है, इट इंक्लूड्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स फिगर्स आर दिस number of significant figures are the number of certain digits number of all certain digits with last digit uncertain, right? So this is a number of significant figure. How they can be calculated? This is can be calculated as the number of all certain digits which last digit are uncertain. इसमें uncertainty क्या होती है? ये usually हम मानते हैं, जैसे ये लिखा हो कि कोई data हम calculate करें और कहें कि ये length है, ये 16.02 है। इसका मतलब है कि ये सारे सर्टेन है, इसमें प्लस माइनस वन अनसर्टेन हम मानते हैं। ये जो डिजिट है ये सारे के सारे सर्टेन डिजिट है, दीज आर सर्टेन डिजिट, और लास्ट जो डिजिट है वो क्या है? अनसर्टेन। तो इसको हम कहते हैं टोटल को मिला के सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। ये लास्ट डिजिट अनसर्टेन है और अनसर्टेनिटी कितनी है, यूजुअली अगर नहीं मेंशन है तो प्लस माइनस वन इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी जो होती है वो प्लस माइनस वन होती है, ये हम समझते हैं कि अनसर्टेनिटी जो होती है प्लस माइनस वन, अनलेस एंड अदरवाइज इट इज मेंशन्ड। कई जगह मेंशन होता है तो उसमें तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन अगर ऐसा नहीं दिया है तो ये है। अगर हमने किसी का लेंथ मेजर किया है और लेंथ मेजर किया और किसी लेंथ की वैल्यू आ गई, इफ द वैल्यू इज लाइक दिस, वैल्यू ऑफ दैट लेंथ इज दिस, then we can say these are certain and this one is uncertain। तो इसके कुछ rules हैं कि हम किसको कहेंगे, कितने digit को significant figure कहेंगे और कितने को नहीं कहेंगे, ठीक है ना? तो इस rule को सीखते हैं, rules of counting significant figures। ठीक है, ये क्या क्या रूल है? तो कुछ रूल हैं जिनके बारे में हम सीखते हैं। पहला रूल क्या है, ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे,
जैसे मैं मान लीजिए 3, 4, 5, 7 लिखा, तो ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? फॉर एग्जाम्पल दिस हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल ये हुआ, इसमें 2, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं अगर लिख दूं इसको 3, 6, 7, 3, 6, 7, 9, तो 5 हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें। ठीक है, दूसरा रूल क्या हो सकता है? दूसरा रूल लेते हैं ये, अगर 0 हो इनके बीच में, 0 एंड में हो, आखिरी में, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। ऑल जीरोज जीरोज एट द एंड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट्स आर इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट फिकेंट। जैसे मैं मान लीजिए कि लिख दूं 5000, तो इसमें हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, वन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, इसमें एक से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये आखिरी के 0 की कोई वैल्यू नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर के आंसर में। अगर 0 दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है तो सिग्निफिकेंट है। जैसे यहां पे लिखूं 3, ऑल जीरोज इन बिटवीन, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जाम्पल अगर लूं तो ये कहूं कि ये 3057 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें जो है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 0 बीच में आया तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसा लिखा होता कि 20057 हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अच्छा अब ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। चौथी बात जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि अगर 0 के बाद डेसिमल लगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट किया जाएगा। इफ डेसिमल डेसिमल इज प्लेस्ड आफ्टर 0, आफ्टर 0 0, देन 0 आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। राइट, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मैं ये लिख दूं कि 5000 पॉइंट पॉइंट, 5000 पॉइंट, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें क्या है कि ये 5000 एक्यूरेट है, और एक्यूरेसी के केस में इसको हम कहेंगे डेसिमल। इफ देयर इज अ डेसिमल साइन देन दिस इज कॉल्ड हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 5000 पॉइंट डेसिमल एज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। राइट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो डेसिमल के बाद ये आ गया तो हम इसे कहेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल के बाद जितने 0 आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। ठीक है, सो सिमिलरली इफ अ नंबर एंड विथ 0, with zeros and all zeros are after decimal points and all zeros after decimal points then they are significant,
देन दे आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा लिख दें कि 5000.00, तो इसका मतलब हैज सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर, हैज सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये कह सकते हैं कि 5000 के बाद हमने उसको पहले डेसिमल पॉइंट तक एक्यूरेटली मेजर किया, दूसरे डेसिमल पॉइंट तक भी एक्यूरेटली मेजर किया है, इसलिए इसमें सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर ऐसा लिखा हो कि 5000.02, तो इट हैज सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर, तब भी ये सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सो दीज हैज सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो अगर जीरो ये डेसिमल के पहले हो, ठीक है, और डेसिमल के बाद हो, और उसके बाद पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं हो, तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लाइक सिक्स रूल, यू कैन से ऑल जीरोज, जीरोज आफ्टर डेसिमल, डेसिमल एंड बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स, बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। कैसे? ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लिखा 0.0023 हैज ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर, टू सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 0.23। अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि 0.00036 हैज ओनली थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो जीरोज हैं नॉन जीरो डिजिट के, अगर पहले हैं तो उनको डेसिमल के बाद, लेकिन नॉन जीरो डिजिट के पहले हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन यही अगर शुरुआत में ऐसा हो जाए, ये लिखा हो 2.00036 7, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? हैज सेवन सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। यानी आपको ये देखना है सेवन सिग्निफिकेंट फिगर। ये सारी चीजें आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद अगर जीरो है तो उसके पहले नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। सो ऑल नंबर्स व्हिच इज रिटन इन साइंटिफिक फॉर्म, दे हैव ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सो इफ ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट इफ द नंबर्स आर रिटन, नंबर्स आर रिटन इन साइंटिफिक फॉर्म, इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, नोटेशन, ठीक है। जैसे ये लिखा है 3.0 × 10^4, राइट, हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर, टू सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। ये हो गया दो। अगर इसी को ऐसे लिखा हो कि 3.0000 × 10^4 हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, राइट ना, 0.02 × हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। इफ इट इज रिटन लाइक 3.0235 × 10^4, तो हैज 4245, फाइव सिग्निफिकेंट फिगर, फाइव सिग्निफिकेंट फिगर, फिगर्स, राइट। तो इस तरीके से इनमें सिग्निफिकेंट फिगर हम पता कर सकते हैं। कुछ ऐसे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। लास्ट वन, काउंटिंग नंबर्स हैज इनफाइनाइट फिगर, काउंटिंग काउंटिंग नंबर्स हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स,
सिग्निफिकेंट फिगर्स, काउंटिंग नंबर्स एज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। सो हाउ इज दैट? जैसे मान लीजिए कहेंगे 5 डजन बनाना, राइट ना, सो दैट कैन बी रिटन एज 5.0, 5.00, 5.000, 5.00000, लाइक दिस। सो 5 डजन बनाना 2 मीटर क्लॉथ, सो 2 मीटर क्लॉथ इट मीन्स 2.0, 2.000, 2 point, सो लाइक दिस। इफ इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस देन दे कैन हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स एज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। से 5 पेंसिल, सो 5 पेंसिल कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक 5 पेंसिल एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक 5.0 पेंसिल, दिस इज सर्टेन, 5.000 पेंसिल, राइट। सो सिमिलरली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इनफाइनाइट डेसिमल पॉइंट्स, जीरोज आफ्टर डेसिमल, सो इट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिगर्स, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। सो दीज आर समथिंग विच यू शुड नो। नाउ वी कैन हैव अ मैथमेटिकल ऑपरेशन विच कैन बी यूज फॉर दिस। वी कैन यूज मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉर फाइंडिंग द डिफरेंट रिजल्ट्स एंड इन मैथमेटिकल ऑपरेशन हाउ टू यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हम सीखते हैं कि अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रही है तो उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल कैसे करेंगे और कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन, यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। पहला हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, एडिशन, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोई एक होगा तो दोनों में क्या रूल होगा। इसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस टू बी टेकन इनटू केयर ऑफ, द रिपोर्टेड वैल्यू शुड हैव, द रिपोर्टेड वैल्यू, द रिपोर्टेड वैल्यू शुड हैव लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस ऑफ द डाटा इन्वॉल्व इन ऑपरेशन, इन्वॉल्व इन ऑपरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें डाटा दिया गया है उसमें जो लीस्ट वैल्यू होगी उसी को हम लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये लिखा है 15.11 और बी लिखा है कि 127.2, तो अब इन दोनों को प्लस करना है हमको, तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू, रिजल्ट हो गया ये 1 और 2 + 1 = 3, ऐसा हो गया। डेसिमल के बाद आप 0 पुट कर सकते हैं सिमिलैरिटी के लिए, तो ये 1 + 0 = 1, 2 + 1 = 3, 7 + 5 = 12 एंड 2 + 1 = 3 + 1 = 4 एंड दिस इज 1, ये आ गया रिजल्ट हमारा। लेकिन चूंकि इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेस 2 था, इसलिए यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, तो दिस इज द एक्चुअल सम, ये है एक्चुअल सम। लेकिन रिपोर्टेड सम क्या होगा, रिपोर्टेड सम होगा इसका कितना, तो एक ही डेसिमल के बाद होना चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। सो रिपोर्टेड सम वुड बी हाउ मच, 142.3, ये आंसर होना चाहिए, आप यही लिखेंगे एडिशन में। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो मान लीजिए कि अगर हम ये कहें कि P लिखा है या ये चीज है P, P इज 13.121 एंड Q इज 3.07, राइट। सो आप P माइनस Q करना चाहते हैं, तो P माइनस Q करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, 12 माइनस 7 इज 5, राइट, दिस इज 0 एंड हियर इट इज 10। सो यहाँ पे भी लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितना है, 2 है, तो रिपोर्टेड इसका सम होगा, रिपोर्टेड वैल्यू होगी
रिपोर्टेड वैल्यू विल बी व्हाट, 10.05, दो डेसिमल प्लेस तक ही लिखेंगे, बाद वाले डेसिमल प्लेस की वैल्यू को हम छोड़ देंगे, ऐसा करेंगे। तो इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप ऐसा कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन अगर हमें करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, और अगर एडिशन करना है तो हम वैसा कर सकते हैं। ये है सब्ट्रैक्शन और एडिशन, राइट। तो सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस लाइक दिस, तो इस तरीके से होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या होगा? व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इसमें क्या करेंगे? इसमें जो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल प्लेस नहीं, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है। सो द रिपो इन व्हेन इन दिस मैथमेटिकल द मैथमेटिकल ऑपरेशन द मैथमेटिकल ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन इन विच मोर देन टू एंटिटीज इन्वॉल्व एंटिटीज इन्वॉल्व इन्वॉल्व द रिपोर्टेड वैल्यू शुड हैव लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। रिपोर्टेड वैल्यू रिपोर्टेड सम शुड हैज लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर शुड हैव लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट सॉरी लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर व्हिच इज यूज्ड इन द ऑपरेशन इन द ऑपरेशन व्हिच इज यूज्ड इन द ऑपरेशन इन द ऑपरेशन। मतलब ये कि अगर मैं ये कहूं कि ये लिखा है, आप देखिए ए इज इक्वल टू 3.01 एंड बी इज इक्वल टू 12.363, तो 3.1। अब इसमें कितने होने चाहिए, रिजल्ट के आउटपुट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, एंड वी वांट ए बी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 37.0531 ऐसा आएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसमें चूंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है जी, इसमें 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, ये हो गया 3। तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होने चाहिए, यानी इस रिजल्ट को आप लिख सकते हो 37.0 37.0। 5 के पहले अगर कोई इवन नंबर होता है तो आगे राउंड अप में बताएंगे, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। 37.0 ये होगा इसका आंसर। इसी तरह से डिवीजन में भी हम करेंगे, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व होगा, दो या दो से ज्यादा ऑपरेशन अगर हम डाटा इन्वॉल्व है, उसमें से जिस डाटा का सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही हम रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में मुझे लगता है कि आ गया होगा कि आपको कैसे इसको डील करना है। चलिए डिवीजन का भी एक केस ले लेते हैं। ए अगर मान लीजिए कि 5.232 है और बी है वो 1.12 है, और आपको निकालना है ए बाई बी, तो आप 5.2 में 1.12 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो ये डाटा आ जाएगा, दिस इज दीज आर द नंबर्स व्हिच विल कम एवेंचुअली, सो व्हाट टू डू एंड हाउ टू सॉल्व दिस। अगर इतना आ रहा है, अगर इसके आगे भी आ रहा है, तो आपको कितना सिग्निफिकेंट फिगर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, ये है लिस्ट, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो आपको 2 ही लिस्ट है, इसलिए लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 होने लेने की वजह से रिजल्ट होगा 4.6, ये आंसर होगा। आपको बाकी डिजिट को छोड़ना होगा।
इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैलकुलेशन में इनका क्या रोल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इनके रूल्स क्या हैं उनको आप अच्छी तरह से याद करें और तब जाके बात बनेगी। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते, तो दूसरा टॉपिक आज का है वो है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ ये क्या है, राउंडिंग ऑफ क्या होता है? तो राउंडिंग ऑफ जो है वो अगर बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है, जैसे पिछले में ये आ रहा था इतना सारा वैल्यू हमने सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से लिख दिया, लेकिन कई बार होता है कि डाटा को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए राउंडिंग ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। टू रिस्ट्रिक्ट, राउंडिंग ऑफ क्यों इस्तेमाल किया जाता है? टू रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट द डाटा, डाटा इन डिजायर्ड प्लेस, डिजायर्ड डेसिमल प्लेस, डिजायर्ड प्लेस, डिजायर्ड नंबर, यू कैन से डिजायर्ड नंबर, डिजायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, डिजायर्ड नंबर ऑफ डिजिट तक रिजल्ट चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो हम डाटा को राउंड ऑफ करते। कैसे करते? रूल है इसके लिए, ऐसे नहीं करते थे कुछ भी, हर एक चीज के लिए रूल बना है। क्या रूल है? तो पहला रूल ये है कि इफ द लास्ट डिजिट, इफ द लास्ट डिजिट व्हिच इज टू राउंड ऑफ, व्हिच इज टू बी राउंड ऑफ, राउंड ऑफ इज मोर देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग एंड प्रीसीडिंग देन प्रीसीडिंग डिजिट विल इंक्रीज, डिजिट विल इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1, ये प्रीसीडिंग डिजिट जो होगा वो 1 से बढ़ जाएगा, प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1। अगर लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा है तो जिसको, जैसे मान लीजिए कि हमें करना है 7.987 और इसको राउंड ऑफ करना अप टू डेसिमल प्लेस से, तो ये 5 से ज्यादा है, दिस इज मोर देन 5, ये मोर देन 5 है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? मोर देन 5, इसलिए इसको अगर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ करेंगे तो इसको लिखना होगा 7.9 और ये डिजिट में प्लस 1 होगा, तो ये 7.99, ये 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ किया तो 7.99 लिख दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा कि 7.866 और हमें 3 प्लेस तक लिखना है, तो इस 6 को अगर राउंड ऑफ करना है तो ये 5 से ज्यादा है तो इसको राउंड ऑफ करना है, बिकॉज इट इज मोर देन 5, मोर देन 5, तो हमें इसे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या लिखना होगा? 7.87, ये जो होगा वो प्लस 1 हो जाएगा, इसमें एक प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि इफ द लास्ट डिजिट, द लास्ट डिजिट व्हिच इज टू राउंड ऑफ, व्हिच इज टू बी राउंड ऑफ, राउंड ऑफ इज लेस देन देन 5, देन रिमूव दैट डिजिट, रिमूव दैट डिजिट विदाउट एनी चेंज इन, चेंज इन प्रीवियस डिजिट, प्रीवियस डिजिट, राइट, ये होगा। जैसे मान लीजिए कि हमें लिखा है कि एक एग्जांपल ले कि 2.331, अब इसमें से इस लास्ट डिजिट को हमें रिमूव करना है, तो ये क्या है? ये है लेस देन 5, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, तो इसको रिमूव करेंगे तो ये क्या होगा? 2.33। मान लीजिए यहाँ पे फिर से अगर एक डिजिट को रिमूव करना है तो ये 3 भी क्या है? 2.3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है? लेस देन 5। तो आपको जितने डिजिट तक रिस्ट्रिक्ट करना है उतने डिजिट तक आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पहले वाले डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 2 डिजिट तक रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से सीधे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये लिखा है 3.6282,
9 ऐसा कुछ, और हमें दो ही डिजिट तक इसको चाहिए। तो दो डिजिट तक चाहिए तो इसका मतलब यहां से आगे सबको राउंड ऑफ करना है, राइट ना? तो हम ये जो इसको राउंड ऑफ करना है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हटाना है, और ये क्या है, 5 से कम है, लेस देन 5 है, तो इसको दो डिजिट प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो इसे 3.6 सीधे लिख देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राउंड ऑफ अप टू, इट इज राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है? तो ये होता है, ऐसे राउंड ऑफ करते हैं। अब सवाल है कि 5 से ज्यादा हो तो पता चल गया, 5 से कम हो भी पता चल गया, लेकिन अगर लास्ट डिजिट 5 ही हो तब क्या करेंगे? तो उसके दो केस बनेंगे, कि 5 के पहले इवन है, कि 5 के पहले वाली डिजिट ऑड है। तो तीसरा रूल ये है कि इफ द लास्ट डिजिट व्हिच इज टू बी राउंड ऑफ, लास्ट डिजिट व्हिच इज टू बी राउंड ऑफ एज लेस देन 5, एज फाइव देन टू केसेज आर राइज। फर्स्ट केसेज, इफ द डिजिट बिफोर 5 इज इवन डिजिट देन रिमूव डिजिट 5 विदाउट एनी चेंज इन प्रीवियस डिजिट, राइट? कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर लिखूं तो ये लिख देता हूं कि 3.665। अब ये डिजिट है 5, इसको हमें राउंड ऑफ करना है, दैट इज टू बी राउंड ऑफ। तो इसको पहले क्या है, ये पहले वाला क्या है, इवन है, तो इवन है इसलिए अगर इसको हम दो प्लेस तक राउंड ऑफ करें, तीन प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो इसको लिख देंगे 3.66, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल ले लेता हूं, कि अगर मान लीजिए कि हमें लिखना है दूसरा कि 5.6685 है, तो यहाँ पे इसको रिमूव करना है, तो आप क्या लिख देंगे, 65 पॉइंट, अगर राउंड ऑफ करते हैं 5 को तो आप इसे लिख देंगे, ये इवन है इसके पहले, तो आप लिख देंगे 5.68, इवन 6.25 अगर लिखा है और हमें राउंड ऑफ करना है, तो ये 2 इवन है इसलिए क्या लिख देंगे, 6.2। तो इस तरीके से 5 को राउंड ऑफ करना है, और जो है ये है इवन, इसलिए हम ऐसा कर देंगे और से राउंड ऑफ कर देंगे। दूसरी बात कि अगर ये इवन ना हो तो, ये अगर ऑड हो तो क्या करेंगे, इफ द लास्ट डिजिट, सेकंड केस, इफ द लास्ट डिजिट इज 5, लास्ट डिजिट टू बी राउंड ऑफ इज 5 प्रिसीडिंग बाय ऑड डिजिट, प्रिसीडेड बाय ऑड डिजिट, एंड और इवन राइट है, प्रिसीडेड बाय ऑड डिजिट, तो ऑड डिजिट्स, देन द प्रीवियस डिजिट इंक्रीज बाय 1, प्रीवियस डिजिट विल इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1, राइट? फॉर एग्जाम्पल हियर 3.6785 15 लाइक दिस, ऐसा अगर इसको हमें करना है तो आखिरी डिजिट को राउंड ऑफ करना है, तो ये हो जाएगा 3.6782। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऑड, ये है हमारा ऑड, ठीक है, और ये है 5, तो इसलिए ऑड होने पर एक डिजिट जो है वो बढ़ जाएगा। लाइक अगर मैं मान लीजिए 2.6
3.35 लिख रहा हूँ, इसको राउंड ऑफ करना है तो ये हो जाएगा 2.4, क्यों, ये हो जाएगा प्लस 1, ये है लास्ट डिजिट 5 और ये है ऑड, तो इसलिए ऑड डिजिट होने पर प्लस 1 बढ़ जाएगा तो 2.4 हो जाएगा। अगर 9.75 है, इसको राउंड ऑफ करना है तो 9.8 हो जाएगा, यानी लास्ट डिजिट जो हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इवन है। तो इस प्रकार से आप ये समझ पाए हैं कि हम कैसे इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। डिजिट को डाटा अगर बहुत बड़ी आती है, रिजल्ट को प्रिसाइज रूप में लिखना है, छोटा करके लिखना है, शॉर्ट करके लिखना है, तो आप लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस डिस्कस सम अदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड, वन ऑफ द टॉपिक इज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, एनालिसिस, व्हाट इज दिस? इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस दैट हाउ टू चेंज वन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस और मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस और एरिया ऑफ सम सब्सटेंस इन वन यूनिट टू अदर यूनिट, कैसे चेंज करेंगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलने के लिए क्या करते हैं और कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, तो आपको एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मान लीजिए आप कहते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर, इधर ले जाकर डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1, यहाँ कुछ नहीं है, 100 सेंटीमीटर से आपने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। और या लिख सकते हैं अगर ये मीटर से इधर डिवाइड करें तो दैट कैन बी रिटन एज 1, ये 1 है और 1 से कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 से कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए किसी भी सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना होगा तो हम इससे कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टू चेंज सेंटीमीटर इंटू मीटर वी कैन मल्टीप्लाई बाई दिस। अब इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे सेंटीमीटर बाई मीटर, 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर, दैट इज ऑल्सो 1, बोथ आर इक्वल टू 1। तो जब हमें मीटर में बदलना होगा किसी चीज को तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर में बदलना होगा तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब व्हेन एवर यू हैव टू चेंज मी इन मीटर, टू चेंज इन मीटर मल्टीप्लाई बाई दिस फैक्टर, चेंज इन मीटर मल्टीप्लाई बाई दिस फैक्टर, एंड दिस विल बी यूज टू चेंज इन सेंटीमीटर, टू चेंज इन सेंटीमीटर, चेंज इन सेंटीमीटर, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें कहा जाए कि 600 सेंटीमीटर, 650 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मीटर क्यूब, फॉर एग्जाम्पल ये कहा जाए कि हाउ मेनी मीटर इन 650 सेंटीमीटर, हाउ मेनी मीटर्स, हाउ मेनी मीटर्स इन, हाउ मेनी मीटर्स, मीटर्स इन 650 सेंटीमीटर, सॉरी इन 650 सेंटीमीटर ये पूछा जाए, तो 650 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये सेंटीमीटर है ना, सो दैट कैन बी रिटन एज 650 सेंटीमीटर इनटू, हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर लिटरली समझो ऐसे कि ये कट जाता है, और यहाँ पे ये 50 से कटे, कैंसिल करें 50 से तो 2, और 50 से कैंसिल करें तो 13, 13/2 यानी 6.5 मीटर आ गया आपका, या ऐसे भी डेसिमल को प्लेस करेंगे तो यही आएगा 6.5, 650 अपॉन 100 इज 6.5 मीटर। अगर ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल लें, कि किसी ने कहा आपको कि चलिए भाई हमारे पास 3.25 मीटर है, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इन 3.25 मीटर, तो आप क्या करेंगे, तो आपको कौन सा लेना है, ये लेना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए तो ये लेना है। तो एक ही यूनिट को तरह तरह से हम कर सकते हैं, तो 3.25 मीटर कैन बी रिटन एज 3.25 मीटर इनटू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। अब यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है और जो चीज बचता है वो क्या हो जाता है, सेंटीमीटर में। तो इस तरह से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह के
ऑपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या बता रहे हैं, नया कुछ आगे मिलेगा आपको जरूर इसका इस्तेमाल, ये बेसिक चीज है। अब अगर मान लीजिए कि मैं कहूं कि बताइए कि 5 जो इंच है उसमें कितना सेंटीमीटर है, 5 इंच में कितना सेंटीमीटर है, टू कैलकुलेट दिस हाउ मेनी कन्वर्ट 5 इंच, कन्वर्ट ये क्वेश्चन हो जाए, कन्वर्ट 5 इंच इंटू सेंटीमीटर्स, 5 इंच इंटू सेंटीमीटर्स, तो आपको पता है कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए 1 इंच में कितना होता है, 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि 1 इंच डिवाइडेड बाई 2.54 सेंटीमीटर, और 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच, ये दोनों किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये 1 यूनिटी हो गया, यूनिटी से 1 से मल्टीप्लाई करने पे किसी के सेहत में कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई भी वैल्यू इधर उधर होता नहीं, कोई वैल्यू चेंज होता नहीं, तो इसलिए हम 1 से कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप बुद्धि बताइए कि आपको चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऑफ कोर्स सेंटीमीटर ऊपर है तो इसी से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसलिए 5 इंच इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 5 इंच इंटू इंच इंटू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच, ठीक है, ये इंच से इंच कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा ये 5, थोड़ा अलग लिखूं मैं से 5 इंच, आप समझ जाइए, ये कैंसिल करने की जरूरत नहीं होती बट हम कर दिए हैं। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 2 27, सो 5 2 जा 10, 12, 12.70 सेंटीमीटर ये आंसर हो गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि कोई क्या है कि 2 लीटर में कितने मीटर क्यूब होगा, हाउ मेनी मीटर क्यूब इन 2 लीटर्स, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, आप उस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी 2 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक क्वेश्चन ऐसा हो हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब इन 2 लीटर, लाइक दिस, तो क्या करोगे, सेंटीमीटर क्यूब में पूछा जा रहा है, तो सेंटीमीटर क्यूब में पूछा जा रहा है और ये लीटर है, तो 1 लीटर में कैसे कैलकुलेट करोगे, सो 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सो 2 लीटर इज इक्वल टू ऑफ कोर्स 2000 सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब किससे मल्टीप्लाई किया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 2000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर मीटर क्यूब में पूछा जाए कि 2 लीटर में कितने मीटर क्यूब होगा, हाउ मेनी मीटर क्यूब्स, मेनी मीटर क्यूब्स इन 2 लीटर, तब आप क्या, तब यहाँ पे रोल बदल जाएगा, ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी, क्यों होगी, आप देखिए 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करें, 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100, 1 मीटर क्यूब अपॉन 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना, दोनों को क्यूब कर दें, अगर मैं ये कर दूं क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तब भी इधर क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब होगा, और 1 का क्यूब क्या होता है, 1, यानी इससे भी अगर मल्टीप्लाई करूं तब भी कोई फर्क नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी 1 के बराबर होगा। तो अगर आप सेंटीमीटर क्यूब को हमें मीटर क्यूब में बदलना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले डाटा में 2 लीटर को बदलना है, सो व्हाट वी नीड टू डू, 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, that can be written as 2000 centimeter cube into 1 meter cube upon 10 to the power 6 centimeter cube। अब यहाँ centimeter cube से centimeter cube समझो कि कट जाता है समझने के लिए, और यहाँ 3 0 है, that is 2 to the power 3 है, और ये 6 है, तो ऊपर जाकर माइनस होगा तो क्या मिल जाएगा, 2 into 10 to the power minus 3 meter cube, ये आंसर होगा। तो इस तरीके से हम एक यूनिट को
दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने के लिए 1 का सहारा लेते हैं, इसलिए इसको कहते हैं यूनिट फैक्टर मेथड। यूनिट फैक्टर मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड इसको कहते हैं यूनिट फैक्टर मेथड। ठीक है, तो यूनिट फैक्टर मेथड के जरिए हम एक डायमेंशन को दूसरे डायमेंशन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और इस तरह से आप समझ गए किसी भी एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको आज का क्लास बहुत पसंद आया होगा, और इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें जरूर लिखें, हम क्लैरिफिकेशन देंगे। और आप लोग अगली क्लास में डाउट लेके आए, जो बाहर के हमारे बच्चे हैं वो जरूर लिखेंगे। अगली क्लास में आप सब लोग डाउट लेके आएंगे और हमें पूछेंगे। अगर कोई और स्टूडेंट्स हैं जो हमारे सिस्टम में नहीं है तो वो लोग हमें मेल करें। हमारी मेल आईडी है arvindsingacademy@gmail.com। एंड अगर क्वेश्चन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, www.arvindsing.com। उसमें स्टडी मटेरियल काफी है, आप उसको एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और खुशहाल रहिए।